सिमरन तुम्हारी है, खुश रख पाओगे उसे? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। ओ रियली? शायद तुम्हें पता नहीं कि जो तुम्हारे पास है वो आजकल दुकानों में बिकता है और वो भी बैटरी ऑपरेटेड और गारंटी के साथ। देखो, मुझे जो भगवान ने दिया है उसे चाइना के इन चीप प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर मत कराओ। सिमरन, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। सिमरन, मेरे साथ चलो। सिमरन, आज तो पारो को जवाब देना ही पड़ेगा कि वो देवदास की है या चंद्रमुखी की। You know, Sim, I just don't understand why men are called dogs. कुत्ते ना वफादार होते हैं। I just can't believe कि सिड ऐसा निकला। Chill, Anu. Take it easy. आदि? Hi, Simran. मैं मुंबई से गोवा तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं। आई स्टिल बिलीव कि तुम ही मेरी सोलमेट हो सिमरन, और मेरा दिल नहीं मानता कि तुम वैसी हो। ट्रस्ट मी सिमरन, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। हेलो, मैं बहका रही हूं? ये देख रहे हो, ये वही रिंग है जो तुमने सिमरन को दी थी और ये इसने मुझे पहनाई है। मेरी दी हुई रिंग तुमने इसे पहना दी? इसका मतलब? मतलब हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। इंगेजमेंट? मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हें 5 लाख की रिंग दी और तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरी फीलिंग्स के बारे में। आज समझ में आया कि सोलमेट वोलमेट सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। शायद मैं इसमें कुछ ज्यादा मतलब ढूंढ रहा था। लगता है मेरी डेस्टिनी में वेडिंग रिंग नहीं, सिर्फ सफरिंग है। बाय सिमरन, बाय। What's wrong with you, Sim? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम उसे प्यार करती हो? You're lucky कि तुम्हें आदि जैसा लड़का मिला है। Look at me, मैं जिसे प्यार करती हूँ वो एक चीटर निकला। आदि जैसे लड़के को हाथ से मत जाने। Hi, Dad. बिलीव नहीं होता ना, लेकिन करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये वही लड़की है डूड जो सिमरन की गर्लफ्रेंड है। आर यू श्योर? मैंने अपनी आंखों से देखा है डूड, मैंने सिमरन को जो रिंग दी थी वो उसने पहनी थी। रिंग? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। No wonder वो एडम एंड स्टीव में थी। अपनी सीन का तो फुल केरोसिन हो गया यार। जिन लड़कियों से हमने प्यार किया वो तो एक दूसरे से प्यार करती है। अब तो मुझे वो पार्टी भी नहीं चाहिए, बस सकरों को लेके निकल जाते। वैसे भी हमारे लिए रखा क्या? अब बस एक बात की खुशी है डूड, कि तू भी मेरी तरह कन्वर्टर निकला। हाँ।
गाना सुनाई दे रहा है? वेलकम टू द क्लब। व्हाट अ फनी गेम, वन स्टिक एंड सो मेनी बॉल्स। नाइस शॉट ना। बात क्या है डैड? तुम लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। आहा। मैं शादी करने वाला हूँ। शादी इस उम्र में? मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माँ और पिताजी की शादी की बात कर रहा हूँ। आप कुत्तों की शादी करा रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज अनु। जरा सोचो, हम लोग कितने लकी हैं। तुमने कभी बच्चों को माँ बाप की शादी में जाते हुए देखा है? हम जाएंगे। हाँ। और शादी का मुहूर्त भी आज का ही निकला है। थैंक्स टू बाबा थ्री जी, मैंने तो शादी के कार्ड भी भेज दिए हैं। माइकल मार्लो वेड्स रोज मैरी मार्लो। ओके, नाउ आई विल गो टू माय बॉल्स। डैड, आदि, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। कैन वी प्लीज मीट? सिड, घर पर कोई नहीं है। साहब, सब लोग शादी पर गए। शादी? हमको तो बताते हुए भी शर्म आती है। ऐसे कोई करता है शादी? अनु मैडम और उनकी सहेली के लाख मना करने के बाद भी ये शादी हो रही है। बस उस गुरु ने कह दिया और मार्लो जी मान गए। लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो रही है। अरे जो इंसान कुत्तों को माँ बाप मान सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है यार। ये शादी तो रोकनी पड़ेगी ड्यूड। लेट्स गो। सारे देवगण भी आ गए। हाय अजय, थैंक यू फॉर कमिंग। छोटे, बस एक बार ये शादी हो जाए तो बाप के नाम पे भी ट्रस्ट हो लेगा। हाँ। सारा पैसा लेकर मायामी चले जाएंगे हम, तुम और सुदामा। Yes, Mr. Marlowe. पिताजी आप नहीं, फादर, फादर। Ladies and gentlemen, we have gathered here this morning to witness the holy reunion of a very unusual couple. Rosemary Marlowe, do you take Michael Marlowe to be your lawfully wedded husband? माँ हाँ कह रही है, मुस्कुरा भी रही है। Nice. Mr. Michael Marlowe, do you promise to take Miss Rosemary Marlowe to be your lawfully wedded wife? I now pronounce you man and wife. Now, ladies and gentlemen, it's party time.